हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल त्रिशपुर संभवन जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की मैथमेटिक्स प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं की संरचना क्या है, परिमेय संख्याओं की खोज के लिए हम प्रेरित कैसे हुए। कक्षा 6-7 में परिमेय संख्याओं के बारे में आपने काफी कुछ सीखा, तो आप देखिए कैसे प्रेरित हुए हम परिमेय संख्याओं को ढूंढने के लिए, या कैसे अग्रसर हुए हम परिमेय संख्याओं की ओर। जैसे कुछ गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे हम कहें कि x+3=8, एक समीकरण है, रैखिक समीकरण x+3=8। अब यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x=8-3=5, यहाँ x का हल 5 हुआ, जो एक प्राकृतिक संख्या है। जो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। कौन? 5। इस समीकरण में x का जो हल है वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम यही कहें कि x+5=2, x plus 5 is equal to 5, ऐसा कहें x+5=5, तो इसका हल प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आपको लिखाई जा चुकी है, इसलिए उससे आगे हम बात करते हैं। गणना की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। अब x+5=5 का जब हम करते हैं तो x = 5 - 5 = 0, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब अगर हम 0 और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लें, तब यह पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। 0 और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। क्या हम समीकरणों के हल के लिए हमको सिर्फ पूर्ण संख्याओं की जरूरत पड़ेगी? अभी देखिए एक समीकरण और आप देखिए। अगर हम कहें x+5=2, अब यहां अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x = 2 - 5 = -3। -3 न पूर्ण संख्या है, न प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्या है? अब ये पूर्णांक है। अब इस चीज ने हमको पूर्णांक की ओर प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। अब यहां हमें पूर्णांक की बात आ गई। पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं, जो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं कह लीजिए, गणना की संख्याओं का और कुल ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं 0 और प्राकृतिक संख्या, तो इनका जो समुच्चय होता है वो कहलाता है पूर्णांक। इसका भी अध्ययन आप क्लास 7th में कर चुके हैं। इसको लिखते हैं -4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 and so on, +∞ से -∞, यानी इसमें सबसे छोटी कोई नहीं, सबसे बड़ी कोई नहीं। तो ये पूर्णांक है, तब इसका हल पूर्णांक है। लेकिन क्या पूर्णांक से ही काम चला? नहीं चला। अब देखिए यहां कुछ समीकरण इस तरह से भी हमने प्राप्त किए। 2x+5=8। तो अब यहां जो x की वैल्यू आएगी 8 - 5, x = 3/2। अब यहां 3/2 न प्राकृतिक संख्या है, न पूर्ण संख्या है, न पूर्णांक है। अब 3/2 पूर्णांक नहीं है। अब इसी चीज ने हमें प्रेरित किया प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सॉरी परिमेय संख्याओं के लिए। इसी चीज ने हमें प्रेरित किया परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा बनी, वो ये है कि इस तरह की संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यह आवश्यकता ही अस्वीकार की जाए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सके,
जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो बेटा, जो संख्याएं या तो p बटे q के रूप में हो या हम उन्हें p बटे q के रूप में लिख सकें, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन ये है कि जो परिमेय संख्या का हर q है वो शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें, जैसे 2/3, 1/7, 9/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये p बटे q के रूप में है। यहाँ p 2 है, q 3 है, यहाँ p 1 है, q 7 है, और यहाँ p 9 है और q है 5। तो ये अंश और हर की तरह लिखी जा सके, शर्त ये है कि q शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या 4 भी परिमेय संख्या है? तो 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, इस पर विचार करें। तो अगर आप देखें तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 8/2 भी लिख सकते हैं, 12/3 भी लिख सकते हैं, अर्थात 4 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कंडीशन यही है कि q शून्य नहीं होना चाहिए। तो जब q शून्य नहीं है और p बटे q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, अतः 4 भी परिमेय संख्या है। अर्थात जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। अब अगर यही हम माइनस कर दें, -4, -, तो ये भी प्राकृतिक ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक अब नहीं है, अब ये हो गई पूर्णांक। तो इसका मतलब हुआ कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। जैसे 2/3 परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन -4 ये पूर्णांक है और परिमेय भी है, यानी सभी पूर्णांक जो है परिमेय होंगे। तो सभी पूर्णांक होने का मतलब पूर्ण संख्या भी, अर्थात शून्य भी। पर क्या शून्य प्रश्न उठता है, क्या शून्य भी परिमेय संख्या है? तो देखिए, हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो हर ये कंडीशन में अंश के लिए नहीं दिया है शून्य, केवल हर के लिए शून्य दिया है कि हर शून्य नहीं हो सकता, इसलिए शून्य भी परिमेय संख्या है। अर्थात सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है और जो भिन्नात्मक रूप में लिखी गई है ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के गुण की ओर। तो परिमेय संख्याओं की खोज के लिए हमको प्रेरित किया कि हमें कुछ प्रश्नों में हल में जरूरत पड़ी कि जो p बटे q के रूप में आते हैं, तब हमको जरूरत पड़ी कि हमें परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। इस तरह से परिमेय संख्याएं क्या है इसकी परिभाषा आप नोट कर लो और ये एग्जांपल देख लो, और इस तरह से ये और इसके जो गुणधर्म है, जैसे हमने कहा कि शून्य भी परिमेय संख्या है तो आप शून्य भी परिमेय संख्या लिख ले, और जो हमने कहा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, इस चीज को भी आप लिख ले, ये इसके गुणधर्म में है। अब आगे हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पर। एक गुण है बेटा संवृत गुण। संवृत गुण देखिए, संवृत गुण, संवृत को यूपी बोर्ड की किताबों में संवरक भी बोलते हैं, संवरक गुण या संवृत गुण। ये संवृत क्या है पहले आप संवृत को समझ लो। संवृत का मतलब है जब हम इसको प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में लेंगे तब देखेंगे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आता है। आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लो, जो मर्जी, जैसे हमने एक ले लिया 3 और एक ले लिया 5, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, 8, 3+5=8। तो इसका मतलब हुआ कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या अवश्य प्राप्त होती है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या होता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं योग संक्रिया के लिए संवृत हैं, इसी को हम कहते हैं संवृत, संवरक गुण या संवृत। अब और कोई भी ले लो, जैसे 2+1 कर दें, 3 आ गया, ये भी परिमेय, ये भी प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या होता है।
अब अगर हम गुणा करें, 3 × 5 = 50, 8 × 7 = 56, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो उनका गुणनफल प्राकृतिक संख्या ही होता है। 3 × 5 = 15, 15 भी प्राकृतिक संख्या है और 56 भी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या योग संक्रिया के लिए भी समृद्ध है, यानी संवरक गुण का पालन करती है और गुणा के लिए भी करती है। क्या यह अंतर के लिए भी करती है, अब देख लेते हैं। अब अगर हम करें 3 − 5 = −2 और −2 is not natural number, −2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। इसी तरह से विभाजन को देख लो, 3/5 = 3/5। हाँ, कुछ संख्याओं के लिए हो सकती है लेकिन सदैव नहीं होती है। सदैव जो नियम होता है ऑलवेज होता है, सदैव होना चाहिए। हाँ, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता तो नियम नहीं होगा। लेकिन आप जो योग में जब करेंगे तो योग में चाहे जो संख्या आप लेंगे योग में और गुणनफल में, वो प्राकृतिक ही आएगा। लेकिन अंतर में ऐसा नहीं है। अंतर में आप 5 और 3 ले लेंगे तो प्राकृतिक संख्या है। तो एक आ गया, कई मान कुछ मानों में आ गया, कुछ में नहीं आया, तो कहा जाता है समृद्ध नहीं है। अब यहाँ तो समृद्ध है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये कहा जाएगा कि अंतर के लिए संवरक गुण का पालन नहीं करती, यानी प्राकृतिक संख्याएं अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं विभाजक की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। अब देखिए यहां, अब यह हो गया आपका किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। प्राकृतिक संख्याएं, अब आप इसको चाहे तो नोट कर ले, प्राकृतिक संख्याएं योग और अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध है लेकिन गुणा और भाग की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। अब आप पूर्ण संख्याओं के बारे में देखो, पूर्ण संख्या होती 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए इसमें, अब इसमें आप कहेंगे कोई भी तो पूर्ण संख्या लीजिए, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1। तो यहां दो पूर्ण संख्याएं लिए, पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या शून्य ले लेते हैं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो 0 + 1 = 1, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या ही आया। 0 × 2 = 0, तो 0 और 2 का जब गुणा किया तो 0 ही आया। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का जो योगफल है और गुणनफल है वो सदैव पूर्ण संख्या ही आएगा। अब जैसे आपने ले लिया 2 × 3, ये बराबर हो गया 6, तो ये भी तो पूर्ण संख्या ही है। तो ये पूर्ण संख्या के संदर्भ में लेंगे, 0 भी ले लेंगे प्राकृतिक संख्या के साथ, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या में भी योग और गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है, क्या अंतर की संक्रिया के लिए भी समृद्ध है। तो 2 − 1 = 1 तो आएगा, लेकिन अगर 1 − 2 कर दे तो बराबर −1 आ गया, यानी अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। इसी तरह से विभाजन की संक्रिया को जब देखेंगे, 2/5 तो बराबर हो जाएगा 2/5, 2/5 = 2/5, यानी ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये गुणा और योग की संक्रिया के लिए समृद्ध हैं लेकिन विभाजन और अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। तो अब हम चलते हैं पूर्णांक की तरफ। जब हम पूर्णांक लेते हैं −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, and so on, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक, ये आपके हो गए पूर्णांक। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कोई नहीं, सबसे बड़ी -1, धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी कोई नहीं। अब यहां देखिए, अब इसमें हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं संवरक गुण के संदर्भ में, जैसे हम ले ले योगफल −4 + 3 = −1, यानी दो पूर्णांकों का जो योगफल है वो पूर्णांक ही आया। दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही आ गया, चाहे जो आप ले लें, −3 + −2 लेंगे तो ये आ जाएगा −5, −5 भी पूर्णांक है, 3 + 2 = 5 भी पूर्णांक है,
यानी पूर्णांक योग संक्रिया के लिए संवृत हैं। अब गुणा के लिए देख लो, गुणा के लिए देख लो, माइनस फोर इंटू टू इज इक्वल टू माइनस एट, ये भी पूर्णांक है। दो गुणे तीन इज इक्वल टू छह, ये भी पूर्णांक है। अर्थात दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि गुणा और योग की संक्रिया पूर्णांकों के गुणनफल और योगफल की संक्रिया के लिए समृद्ध हैं। पूर्णांक भी गुणन और योग की संक्रिया के लिए समृद्ध हैं। अंतर के बारे में देखें, माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स। माइनस सिक्स जो है ये पूर्णांक है, माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टू, ये भी पूर्णांक ही है। अर्थात दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होगा, यानी पूर्णांक जो है योग गुणन और अंतर की संक्रिया के लिए समृद्ध है। योग के लिए भी समृद्ध है, गुणा के लिए भी समृद्ध है और अंतर के लिए भी समृद्ध है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये विभाजन की संक्रिया के लिए भी समृद्ध है। तो माइनस थ्री भागे फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर, माइनस थ्री अपॉन फोर पूर्णांक नहीं है। अर्थात विभाजन की संक्रिया के लिए पूर्णांक विभाजन की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं जो ये केवल योग और गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है और जो पूर्णांक है वो विभाजन के लिए नहीं समृद्ध है, केवल योग के लिए गुणा के लिए संवरक गुण का पालन करती हैं, अर्थात ये समृद्ध हैं। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। अब देखो बेटा, जब परिमेय संख्याएं कहेंगे तो उसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं, पूर्णांक प्राकृतिक पूर्ण और जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती हैं वो सब परिमेय संख्या के रूप में आ जाती हैं। तो अब यहां पर देखिए, जैसे दो परिमेय संख्याओं का योगफल दो बटे तीन प्लस माइनस एक बटे तीन, दो परिमेय संख्याएं हैं इनका योगफल आ गया एक बटे तीन, एक बटे तीन ऑलरेडी परिमेय संख्या है। दो बटे तीन प्लस माइनस वन अपॉन थ्री ये बराबर वन अपॉन थ्री, ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या ही आनी है। और देखिए गुणा के लिए जब करेंगे, दो बटे पांच गुणे एक बटे सात बराबर दो बटे पैंतीस, ये भी परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल परिमेय संख्या आता है। जैसे दो बटे पांच गुणे जीरो करें, ये बराबर जीरो। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जीरो जो है ऑलरेडी परिमेय संख्या है। अब जैसे हम कहें दो बटे पांच गुणे पांच ये इज इक्वल टू हो जाएगा दो, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं आवश्यक नहीं पूर्णांक हो, तो ये तो पूर्णांक ऑलरेडी है परिमेय संख्या। इसका मतलब कि योग की संक्रिया के लिए भी और गुणन की संक्रिया के लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, समृद्ध हैं। अब आप देखिए अंतर के लिए देख लेते हैं, दो बटे तीन माइनस माइनस एक बटे तीन, तो ये बराबर हो गया दो बटे तीन माइनस, है ना, चिन्ह बदल के जोड़ना ही घटाना होता है, इसको आप ध्यान लीजिए, इसको प्लस कर देते हैं, इसका चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो गया बराबर थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वन। वन भी परिमेय संख्या है, चूंकि वन को वन अपॉन वन लिख सकते हैं। अर्थात अंतर भी क्या है, परिमेय संख्या है। दो बटे पांच माइनस तीन बटे सात, इसका एलसीएम लेंगे 35 हो जाएगा, पांच सत्य पैंतीस, सात दुनी चौदह, माइनस सात पचे पैंतीस, पांच पंद्रह बराबर माइनस एक बटे पैंतीस, तो एक बटे पैंतीस जो है ये परिमेय संख्या है।
यानी परिमेय संख्याएं अंतर की संक्रिया के लिए भी संवित हैं। अब विभाजन की संक्रिया के लिए देखते हैं, देखो बेटा 2/5 भागे 1/7 इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/5 विभाजन का उल्टा गुणा, जिससे जैसे अंतर का उल्टा कर देते हैं तो वो योग हो जाता है, अंतर की विपरीत संक्रिया योग है, इसी तरह से गुणा की विपरीत संक्रिया भाग है, भाग की विपरीत संक्रिया गुणा, तो गुणे 7/1 कर देंगे तो ये हो गया बराबर 14/5। 14/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन अगर हम कहें कि 2/5 भागे 0, 2 परिमेय संख्या है, चूंकि 0 परिमेय संख्या है तो ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि 2/5 में शून्य का भाग इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट अर्थात परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब कि शून्य ने सारा गड़बड़ कर दिया मामला, अन्यथा परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए भी संवृत्त हो जाती, यानी अगर हम शून्य को न सम्मिलित करें, हाँ अगर हम शून्य भागे 2/5 करें तो यह शून्य हो जाएगा, यह तो संवृत्त है, लेकिन यह 2/5 भागे शून्य यह परिभाषित ही नहीं है, अर्थात परिमेय संख्याएं भी भाग की संक्रिया के लिए संवृत्त नहीं है। हां अगर हम शून्य को हटा दें, अगर शून्य को न लें तो शेष सभी परिमेय संख्याएं विभाजन संक्रिया के लिए संवृत्त है, इस बात को ध्यान सुन लेना। कुछ लोग बता देते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए संवृत्त हैं और सभी आ जाती हैं, लेकिन जब मामला जीरो आप ले लेंगे तब गड़बड़ हो जाता है, तब नहीं आती। अगर 2/5 भागे शून्य कर देंगे तो परिभाषित नहीं है, 5 भागे शून्य कर देंगे तो यह परिभाषित नहीं है, x भागे शून्य कर देंगे तो यह परिभाषित नहीं है, इंडिफाइन है, यह परिभाषित नहीं है, यानी जब शून्य की संक्रिया को हटा दें तब विभाजन संक्रिया के लिए शेष सभी परिमेय संख्याएं संवृत्त हो जाएंगी। तो इस तरह से एक बात ये समझ में आ गई कि परिमेय संख्याएं योग अंतर और गुणा के लिए संवरक गुण का पालन करती हैं अर्थात संवृत्त हैं, किंतु विभाजन के लिए नहीं है। हाँ अगर शून्य को न लें तो शेष सभी परिमेय संख्याएं, शून्य के अतिरिक्त से सभी परिमेय संख्याओं पर अगर संक्रिया करेंगे तो विभाजन के लिए भी संवृत्त होंगी। तो आज बेटा यहीं तक, कल हम इसको और आगे इसके पढ़ाएंगे, अभी आप प्रश्नावली में न जाइए, अभी आप प्रयास वन को केवल भरना है, भर के इसको आप तुरंत हमारे पास भेजें, इस फोटो ले लीजिए, तो आप भर करके तुरंत भेजिए, हमारे वही होमवर्क होगा आपका, ग्रुप में अपने डाल देंगे तो हम देख लेंगे। चलो।